हेलो गाइस, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल ने स्केल में। तो दोस्तों, इस वाले 4 फीट डिश एंटीना पर आज हमने सेट किया है एप स्टार, जो कि 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट है। तो दोस्तों, इसको सेट करना 4 फीट पर काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका डिश साइज़ जो है लगभग 6 फीट होना चाहिए। तो 4 फीट पर दोस्तों फिर भी मैंने ट्रैक किया है और सभी चैनल जो हैं अच्छे मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फिर चलते हैं डिश के और भी करीब, दिखा देते हैं हम आपको ये सी बैंड का फिल्टर LNB जो है वो किस एंगल पर हमने रखा है। तो चलिए चलते हैं डिश के और भी करीब। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको LNB स्क्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि LNB काफ़ी ऊँचा है, तो फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करें तो मैंने 36 पर रखा है। तो मेरे LNB के हिसाब से LNB स्क्यू कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपके पास कोई और LNB है तो उसका स्क्यू एंगल जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरे पास सॉलिड का है तो इसके हिसाब से ऐसे रखना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, साइड से भी देख लीजिए, इतना डिश हमारा ऊपर को उठा है एप स्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, वायर आप चेक कर लीजिए, हमारे सी बैंड LNB से सीधा हमारे सेटअप बॉक्स पर कनेक्ट है ये वाला वायर जो है अलग है, देख लीजिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस वायर के साथ है। ये वाला वायर हमारा सी बैंड का सीधा हमारे सेटअप बॉक्स पर कनेक्ट है, और देख लीजिए यहाँ दूसरा वायर और कोई भी नहीं है। ये वायर जो है बिजली का वायर है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, और ये वाला जो है ये वीडियो वायर है इसके लिए। तो यहाँ टीपियाँ आप नोट कर लीजिए दोस्तों, सभी टीपियों का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एक टीपी आपके वहाँ काम नहीं करती तो आप दूसरा टीपी डालकर ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि स्क्रीन जो है पूरा आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, सभी टीवियों पर हमें सिग्नल भी मिल रहा है। दोस्तों, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैंने जल्दी इसे ट्रैक किया है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य से इसे ट्रैक करेंगे तो सिग्नल और भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं भी और ट्राई करता बारीकी से तो सिग्नल मुझे और भी मिल जाता और टीपियाँ भी। तो इन सभी टीपियों को हम ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और जितने भी हमारे बॉक्स में चैनल हैं वो भी सब के सब डिलीट कर देते हैं। तो देख लीजिए, चैनल भी हमने सब के सब डिलीट कर दिए हैं। तो फिर एंटीना सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ नाम भले ही कोई भी हो दोस्तों, मेन चीज़ होती है ट्रांसपोंडर, यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ हम ब्लेंड स्कैन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितने चैनल रिसीव होते हैं एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट के, जो सी बैंड सेटेलाइट है। एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट डिश सेटिंग आराम से मेरे यहाँ हो जाता है, क्यू बैंड हो या सी बैंड है। तो देखते हैं कितने चैनल हमें 4 फिट पर मिलते हैं, क्योंकि इसका जो डिश साइज है वैसे दोस्तों 6 फिट है। तो देख लीजिए, ARY के चैनल जो है हमारे पास रिसीव हो चुके हैं 12 चैनल अब तक। तो देखते हैं कितने चैनल हमें रिसीव होते हैं। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो।
200 हमारे पास 19 चैनल रिसीव हुए हैं, चैनलों को सेव कर लेते हैं और चलाकर भी आपको दिखा दूं। यहाँ स्क्रैम्बल और फ्री टू एयर को अलग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 12 चैनल हमारे पास फ्री टू एयर मिले हैं। तो चलिए फिर एक नंबर से आपको चलाकर भी दिखा दूं। तो देख लीजिए फर्स्ट क्लास एयर वाई चले हुए हैं, एयर वाई जिंदगी, एयर वाई म्यूज़िक, एयर वाई HD। देख लीजिए फर्स्ट क्लास चले हुए हैं। कुछ कुछ इलाकों में दोस्तों ये वाले एयर वाई की TP जो है रिसीव नहीं होती है 4 फीट पर, लेकिन मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट, ये सब चैनल बिल्कुल ओके चले हुए हैं। देख लीजिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये वाला चैनल जो है क्यू बैंड पर भी आपको मिल जाएगा, और ये वाले चैनल जो हैं स्क्रैम्बल मोड पर हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ्री टू एयर में भी ये वाले चैनल मिल चुके हैं। तो मेरे इलाके में तो 200 एयर वाई का पैकेज जो है 4 फीट पर आराम से चल रहा है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।